अर्थात ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्यान्ह तक सप्त द्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा। किंतु उसे रोक सके वो बल किसमें है? नहीं दशानन, बल से नहीं छल से रोकना होगा उसे। उस मरकट के स्वभाव में निहित दया करुणा और ममता का लाभ उठाकर उसे छलेंगे हम। विस्तार से बताइए महाराज महंतम बाली। किसी दुखी लाचार प्राणी की पुकार सुनकर वो मरकट स्वयं को रोक नहीं पाएगा। अपने स्वभाववश वो उसकी सहायता करने के लिए अवश्य ही उसके समीप जाने के लिए विवश हो जाएगा। अर्थात भ्रमित होकर वो वानर बालक अपने लक्ष्य से भटक जाए और ऋषि दुर्वसा का आदेश पूर्ण नहीं कर पाएगा। आपके कुटिल बुद्धि से उपजी ये योजना को मेरी राक्षसी कंपिका सफल करेगी। कंपिका? जी हाँ महाराज बाली, मेरी राक्षसी कंपिका दुखियारी वृद्धा माँ का रूप धर के वो अपने रुदन से बालकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हे पुत्र, वही छवि, वही मुखाकृति तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा मृत पुत्र ही मेरे समक्ष खड़ा है। पुत्र सुख से वंचित इस माँ का अनुरोध सुन लो पुत्र। वो जो माला सामने पड़ी है उसे उसे देवी माँ को अर्पित कर दे पुत्र, और मेरा बनाया भोजन खा लो, इसे ग्रहण कर लो। तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैंने अपने पुत्र को ही भोजन खिलाया है। पुत्र इसे ग्रहण कर लो, पुत्र इसे ग्रहण कर लो पुत्र। सर्वप्रथम वो भोले भाले बालकों को भावुक करके ममता के नाटक से उनके हृदय को अपने वश में कर लेती। मेरा पुत्र प्रतिदिन भोजन से पूर्व ऐसे ही देवी माता का पूजन किया करता था। हाँ हाँ पुत्र, विलंब मत करो, विलंब ना करो, चढ़ा दो माला देवी माँ के चरणों में पुत्र, विलंब ना करो पुत्र। बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, ये क्या हो रहा है? भोजन बनोगे पुत्र। राक्षसी कंपिका के क्रंदन से विचलित होकर वो मरकट अवश्य ही उसके समीप जाएगा। जो माँ की ममता सदैव उसकी शक्ति बनी है, आज वही ममता उसकी दुर्बलता बनेगी। Thank you.
अब यहाँ से शीघ्र ही मिट्टी लेकर वापस जाऊंगा। वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तदीप की मिट्टी चाहिए। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। हे पृथ्वी माता, प्रणाम। मुझे आपसे मिट्टी लेने की अनुमति दीजिए। माता, अब चार द्वीप और शेष हैं, जहाँ से मुझे मिट्टी एकत्रित करनी है। द्वितीय प्रहार अभी शेष है, फिर भी मैं विलंब नहीं करूँगा। कैसी ध्वनि है ये? तो किसी वृद्ध माँ की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। उस कुटिया से आ रही है ध्वनि, कहीं वो वृद्ध माता किसी कष्ट में तो नहीं है? मैं किसी असहाय को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आश्चर्य है, यहाँ सूर्य की रोशनी क्यों नहीं है? गया वो वानर बालक जिसका वध करने के लिए मुझे लंकेश ने आदेश दिया था। माता, क्या दुख है आपको? क्यों विलाप कर रही हैं आप? हाय, मेरा पुत्र, उसी के लिए विलाप कर रही हूँ। आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है। कुछ दिन पूर्व एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बड़े ही दुख की बात है। मैं सुमेरु का युवराज हनुमान हूँ। यदि मैं किसी प्रकार से आपका दुख दूर कर सकूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पुत्र? मेरा पुत्र अपने जन्मदिन पर अपनी रुचि की खीर और पकवान मुझसे बनवाया करता था। यदि आज वो यहाँ होता शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। वो यहाँ होता तो इस समय मैं उसके लिए बड़े प्रेम से भोजन बना रही होती। हाय मेरे लाल, तू कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़कर? मैं किससे खीर खिलाऊंगी, किसे अपना भोजन खिलाऊंगी? माता, आप मुझे खिला दीजिए, मुझे अपना पुत्र मानकर भोजन कराइए, आपका कुछ दुख कम हो जाए। है
तो वानर बुद्धि ही इतनी सहजता से मेरे कूट यंत्र में फंस रहा है। तुम करोगे भोजन? तुम करोगे भोजन पुत्र? ठीक है पुत्र, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। कहीं मुझे विलंब ना हो जाए, परंतु माता को भी इस प्रकार दुखी छोड़कर नहीं जा सकता मैं। द्वितीय प्रहर होने को है। सात दीपों से मिट्टी लेकर इतने कम समय में लौट पाएगा हनुमान या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं गुरुदेव हनुमान की। कहीं ऋषिवर द्वारा दी गई अवधि समाप्त ना हो जाए। कितना समय लगा रही है माता। राक्षसों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खड़क प्रतीत हो रही है, ये यहाँ कैसे? कुछ तो विचित्र व असामान्य है। देख रहे हो पुत्र, इस खड़क से तो मैं जलावन की लकड़ियां काटती हूं पुत्र। इनके हाथों में तो कंपन हो रहा है, फिर इतने अशक्त हाथों से ये कैसे इस खड़क को उठाती होंगी? लाइए, ये मुझे दे दीजिए। खड़क तो देख ली इसने, कहीं कोई शंका ना हो जाए। मुझे शीघ्र ही अपनी योजना के अनुसार इसे समाप्त करना होगा, अन्यथा कोई भूल हो गई तो लंकेश के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। रुक जा पुत्र, रुक जा। मेरा पुत्र ऐसे ही भोजन आरंभ नहीं करता था। हमारे यहाँ परंपरा है कि भोजन आरंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट देव को पुष्पों की माला अर्पित करते हैं पुत्र। उन्हें नमन करते हैं। मेरा पुत्र भी ऐसा ही करता था। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, तुम भी ऐसा ही करो पुत्र। वानर, पुष्प माला स्पर्श करते ही तुम्हारे हाथ पांव स्तंभित हो जाएंगे। अब फिर तुम्हारा अंत कर दूंगी मैं। स्वामी, समय अबाध गति से निकल रहा है।
ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सारा संसार भयभीत है। यदि हनुमान ने आने में विलंब कर दिया और शुभ शुभ बोलो अंजना, हमें आशा रखनी चाहिए कि हनुमान समय रहते अपना कार्य पूर्ण कर लेगा और ऋषि दुर्वासा को क्रोधित होने का अवसर नहीं देगा। पुत्र, पुष्पमाला उठाकर इष्ट देव को चढ़ा दो पुत्र। माला उठाओ और माला चढ़ा दो पुत्र। किंतु पुष्पमाला चढ़ानी कैसे है? कैसे क्या पुत्र, माला उठाओ और इष्टदेव के चरणों में चढ़ा दो पुत्र। किंतु कौन से हाथ से, इस हाथ से या इस हाथ से? दोनों हाथों से उठाओ पुत्र, दोनों हाथों से उठाओ। देखिए, मैं तो वानर कुल का हूँ, मुझे आपके कुल की परंपरा कैसे पता होगी? आप एक बार करके बताइए ना। वो तुम्हें इतना भी नहीं आता? मैं दिखाती हूँ कैसे माला चढ़ानी है तुम्हें। ये क्या हो गया मेरे हाथ, ये क्या हो गया, मैं अपने ही कूट यंत्र में फंस गई। नहीं वानर, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा कुछ किया है, आप तो अपनी बनाई हुई भास में फंस गई है। वानर, उस खड़क को तो तुम स्पर्श भी मत करना। यदि तुमने मेरा वध करने का प्रयास किया तो मैं आपका वध नहीं करूंगा, मुझे तो अपने कार्य के लिए विलंब हो रहा है। रुको रुको, मुझे मुक्त तो कर दो। ना जाने इस मायावी कुटयंत्र भास में आपने कितने निर्दोष मनुष्यों को फंसा कर उनका अहित किया होगा। ये आपकी ही बनाई हुई भास है, अब इसमें फंसकर आपके पापों का प्रायश्चित होगा, क्योंकि ये विधि का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। रुको, मेरी कोई सहायता करो। वानर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। कोई मेरी सहायता करो। द्वीपों की मिट्टी एकत्रित हो गई। ये क्या, मेरी छाया तो छोटी सी रह गई है। लगता है द्वितीय प्रहर का समय भी समाप्त होने वाला है, मुझे शीघ्र ही सुमेरु पहुंचना होगा। किंतु मुझे एक और आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। नारायण नारायण, ये हनुमान को क्या हो गया है? तब तो द्वीप की मिट्टी एकत्रित करने के पश्चात वो सुमेरु की दिशा में ना जाकर विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? हनुमान समय रहते नहीं लौट पाएगा, जो कार्य ना हो सके
उसके लिए कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने। कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोधित ना हो जाए। हे प्रभु, मेरे लाल को इनके कोप से बचा लो। महाराज केसरी, प्रतीत होता है आपका पुत्र यह भूल गया कि द्वितीय प्रहर के समाप्त होने से पहले लौट कर आना है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हनुमान आता ही होगा। अभी भी द्वितीय प्रहर में कुछ क्षण शेष हैं। जो अब तक नहीं आया तो कुछ क्षणों में क्या आ पाएगा। मैं आ गया ऋषिवर। ऋषिवर प्रणाम। ऋषिवर, आपकी सेवा के लिए सप्तद्वीप की मिट्टी प्रस्तुत है। शिष्यों, हनुमान, हवन के लिए तुम सप्तद्वीप की मिट्टी तो ले आए, किंतु गंगा जल की भी आवश्यकता है। हनुमान से कार्य अधूरा रह गया, कहीं ऋषिवर कुपित ना हो जाए हनुमान से। ऋषिवर, जब पिताश्री यहाँ हवन करवाते थे तब उन्हें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती थी, ये मुझे स्मरण था। तो मैं गंगा जल लेने चला गया। हे परम पावनी गंगा माता, ऋषि दुर्वासा को अपना हवन करने के लिए आपके जल की आवश्यकता होगी। मैं केसरी नंदन हनुमान आपसे जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। प्रणाम माता गंगा। प्रिय हनुमान, पवित्र उद्देश्य के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों में प्रकृति के पांचों मूलभूत तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी सभी सहायक होते हैं। मैं तुम्हें जल प्रदान करती हूँ। प्रणाम माता। ऋषिवर, ये गंगा जल। हनुमान, ये परीक्षा थी तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारी बुद्धि की। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस परीक्षा में सफल रहे। अब मैं तुम्हारी वीरता, बुद्धि चातुर्य और दूरदर्शिता पर विश्वास कर सकता हूँ। ऋषिवर, हनुमान बहुत ही प्रसन्न है कि आपने उसे विश्वास के योग्य समझा। ऋषिवर, आपकी सेवा करके तो हनुमान का जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है हनुमान, अब मुझे जगत कल्याण के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करनी है। अब मैं उस कल्प वृक्ष की रक्षा करने का कार्य तुम्हें सौंपता हूँ हनुमान। अब मैं कल्प वृक्ष का आवाहन स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए करूंगा। आइए मेरे साथ। स्वर्ग का कल्प वृक्ष इस पृथ्वी पर। बल बला बल बल,
दशानन को इसकी सूचना देनी होगी। पल पला पल पल महाराज बाली, असफल हो गई आपकी युक्ति। लंकेश, असफल महानतम वाली की युक्ति नहीं, आपकी मायावी राक्षसी, आपके मायावी अस्त्र, आपके द्वारा भेजे हुए विप्रवर हुए हैं। बारंबार आपकी माया असफल हो रही है। मेरी माया असफल नहीं होती, वो माया ही थी जिसके कारण वो वानर बालक की शक्तियां छीन ली गई। वो माया ही थी जिसके कारण वो वानर बालक अशक्त हुआ था। किंतु लाभ क्या हुआ इसका लंकेश? लाभ होता होता लाभ महाराज मानतम बाली, यदि आपकी माता बीच में आकर आप रोक न देती तो लाभ होता। वाली नहीं, वाली नहीं, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। और पुनः उस वानर बालक को शक्तियां एकत्रित करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अन्यथा स्थिति आज कुछ और होती। स्थिति कोई भी हो, किंतु वो मरकट जीवित नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं महाराज बाली, असफलता हमारी असुरी माया की नहीं है। वो वानर बालक बहुत चतुर है और देवता भी उसकी सहायता करते हैं। परंतु लंकेश, अब तक तो ऋषि दुर्वासा ने उस कल्प वृक्ष की आह्वान कर। कल्प वृक्ष का आह्वान पृथ्वी पर लाने के लिए वानर, कल्प वृक्ष की रक्षा करनी है ना तुम्हें? अब यही कल्प वृक्ष बनेगा तेरे श्राप का माध्यम। ओम तेजो स्थिति कल्प वृक्ष आवाहने विनियोग तेजो स्थिति कल्प वृक्ष आवाहने कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ज्ञात तो होगा ही ना तुम्हें ये वृक्ष? भली भांति ज्ञात है। पाताल राज उपाक्ष को सब ज्ञात है। समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी इस कल्प वृक्ष की। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है ये कल्प वृक्ष। स्वर्ग लोक का ये दिव्य कल्प वृक्ष। तो तुम्हें ये भी ज्ञात होगा पाताल राज उपाक्ष कि यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा कर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। और ये कार्य एकमात्र केवल तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ी। किंतु
आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उसके स्त्री पुत्र वानर बालक को नियुक्त किया है। जैसा कि लंकेश ने बताया, तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। बताओ, कर सकते हो तुम ऐसा या नहीं? हनुमान स्मरण रहे, दिव्य कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व अब तुम पर है। यदि असुरों को पृथ्वी पर दिव्य कल्प वृक्ष की उपस्थिति के बारे में ज्ञात हो गया तो वे किसी भी प्रकार इसे प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत रहें, हनुमान पूरी सतर्कता से एवं सजगता से इस दिव्य कल्प वृक्ष की रक्षा करेगा। Ah!